यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, इज इट लीनियर मोमेंटम इज जीरो? तो भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी, बताओ? मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वो कह रहे हैं कि भाई ये जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी नेगेटिव होनी चाहिए, इतनी सी है ना। मान लो थोड़ी सी देर के लिए मान लो, है ना, बस यही तो है, यही कहना चाह रहे हैं, इस कंडीशन को मान रहे हैं। तो इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इज इट्स लीनियर मोमेंटम नेसेसरली जीरो? आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं। देखो एक केस ये पॉसिबल है, मान लो केस वन ये मान लो, तो मान लो ये पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हारे हाथ में होती है, मैंने कहा था ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। तुमने इसी को रेफरेंस लाइन अगर मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, इस केस में मोमेंटम भी जीरो हो गया। तो इस केस में ये वाली बात सही हो गई, इज इट लीनियर मोमेंटम नेसेसरीली जीरो? नहीं, इसमें हो गया, इस केस में हो गया, पर जरूरी नहीं है। देखो अगला केस दिखाता हूं, केस टू। कहा था ना ऐसी प्रॉब्लम में तुम्हें मल्टी डायरेक्शन में सोचना होता है, मल्टीपल केसेस बनाने होते हैं, तुम्हें अपने दिमाग में हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना होता है। आ जाओ देखो एक केस क्या हो सकता है। मान लो ब्लॉक जा रहा है कुछ स्पीड से, सच दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी लेट्स से 20 जूल। तुमने क्या करा, पर तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी जीरो करना है हमारे क्वेश्चन में। तुमने रेफरेंस लाइन कुछ इस हाइट पे मानी, तुमने रेफरेंस लाइन ऊपर मानी, ऐसी हाइट पे मानी, है ना, ऊपर मानी, तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे नेगेटिव हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल हो गई। तो पहले तो क्वेश्चन सेटिस्फाई करा, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई करो पहले, तो जो एग्जाम्पल ले रहे हो उसमें क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। भाई उन्होंने कहा था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, हो गई जीरो। लो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो कर दी, काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी -20 जूल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो कर दी। क्या मोमेंटम जीरो है? ना भाई, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट जीरो, वेलोसिटी नॉट जीरो, मोमेंटम इज नॉट जीरो। तो दोनों केस बता दिए, दोनों ही केस में मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, एक में मोमेंटम जीरो है, दूसरे में मोमेंटम जीरो नहीं है। तो उनका क्वेश्चन था इज इट्स लीनियर मोमेंटम नेसेसरीली जीरो? नो, नेसेसरीली नॉट जीरो। इज इट नेसेसरीली नॉन जीरो? अगेन नो, वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी और मोमेंटम दोनों के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी का ज्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। चलो